मॉर्निंग किस हाउ आर यू किस। अब नवरात्रि का पर्व चल रहा है और सब सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि घर में बैठ के एंजॉय करना है बच्चों। चलो आज हम करने वाले इंग्लिश, अरे हमारा आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश और इंग्लिश में हम करने जा रहे हैं कैपिटल कर्सिव लेटर वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई से रिलेटेड हम लोग कुछ वोकैबुलरी सीखे। वाई फॉर या, वाई फॉर या, वाई फॉर कलर ऑफ येलो, वाई फॉर ब्लू। ओके, अब इसे वाई को फोर लाइन में किस तरह से लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट द ब्लू लाइन स्लैंटिंग लाइन काउ अप टू डाउन काउ डाउन टू अप। वाई फॉर यो यो, वाई फॉर या। देखिए यहां से आप टर्न होके नीचे आइए ब्लू लाइन सेकेंड ब्लू लाइन को टच करके डाउन टू अप ऊपर जाके वापस नीचे आना है। नीचे की रेड लाइन को टच कीजिए हल्का सा कर्व करके ब्लू लाइन को टच करके यू टर्न करना है। वंस अगेन सी वाई फॉर कलर ऑफ येलो, वाई फॉर याच, वाई फॉर याक। बच्चों पता है याक ये ऐसा जानवर है जो कि जहां पर बर्फ ज्यादा गिरती है वहां पर ये जानवर आपको दिखाई देगा जिसके ऊन से हम कपड़े बनाते हैं। ओके, तो आज का हमारा लेटर था कैपिटल लेटर वाई जिसे आपको आपकी टेक्स्ट बुक पे पूरा करना है। ओके बच्चों, मॉर्निंग किस हाउ आर यू नाउ किस। अब नवरात्रि का पर्व चल रहा है और सब सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि घर में बैठ के एंजॉय करना है बच्चों। चलो आज हम करने वाले इंग्लिश, अरे हमारा आज का सब्जेक्ट इंग्लिश और इंग्लिश में हम करने जा रहे हैं कैपिटल कर्सिव लेटर वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल वाई से रिलेटेड हम लोग कुछ वोकैबुलरी सीखे। वाई फॉर या, वाई फॉर या, वाई फॉर कलर ऑफ येलो, वाई फॉर ब्लू। ओके, अब इसे वाई को फोर लाइन में किस तरह से लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सी दैट द ब्लू लाइन स्लैंटिंग लाइन काउ अप टू डाउन काउ डाउन टू अप। वाई फॉर यो यो, वाई फॉर या। देखिए यहां से आप टर्न होके नीचे आइए ब्लू लाइन सेकेंड ब्लू लाइन को टच करके डाउन टू अप ऊपर जाके वापस नीचे आना है। नीचे की रेड लाइन को टच कीजिए हल्का सा कर्व करके ब्लू लाइन को टच करके यू टर्न करना है। वंस अगेन सी वाई फॉर कलर ऑफ येलो, वाई फॉर याच, वाई फॉर याक। बच्चों पता है याक ये ऐसा जानवर है जो कि जहां पर बर्फ ज्यादा गिरती है वहां पर ये जानवर आपको दिखाई देगा जिसके ऊन से हम कपड़े बनाते हैं। ओके, तो आज का